सो हेलो अगेन, वेलकम टू माय ट्रेडिंग यू पॉइंट स्क्रिप्ट सीरीज। ये वीडियो में मैं एक कुणाल सरोगी करके ट्रेडर है, उनकी स्ट्रैटेजी मैं बैक टेस्ट करने वाला हूँ और आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी हमने कोड की है एंड उसके रिजल्ट आपके सामने है। तो है नो, लेट जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्ट्रैटेजी रूल्स भी जान लेते हैं। बट उसके पहले मैं एक ट्रेडिंग यू सीरीज क्रिएट करने वाला हूँ ऑफ द फेमस स्ट्रैटेजीज दैट आर देयर ऑन द इंटरनेट। सो आपको पास जो भी कौन सी भी स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको चाहिए कि मैं बैकटेस्ट करूँ, सो पक्का कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। देन धीरे धीरे एक एक स्ट्रैटेजी मैं पाइंट स्क्रिप्ट में कोड करूँगा और आपको दिखाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि उसके रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो गई एंड बोलिंजर बैंड विड्थ इंडिकेटर एक्सपांड हो रहा है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे ना, हम एंट्री ले लेंगे। और हमको एग्जिट कभी चाहिए, जब भी प्राइसेस बोलिंजर बैंड के नीचे, अपर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्या है दो रूल्स, हम एंट्री करेंगे जब भी प्राइसेस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो और हम एग्जिट करेंगे, हम बाय एग्जिट ले लेंगे तभी प्राइसेस अपर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो। ठीक है, तो अभी देख सकते हो राइट, ऊपर क्लोज है, इधर नीचे क्लोज है, एज सिंपल एज दैट। इधर हम एंट्री ले रहे हैं, इधर हम एग्जिट कर रहे हैं, बस इतनी ही है स्ट्रैटेजी में, पूरे स्ट्रैटेजी में इतना ही है। ठीक है, अभी शॉर्ट केस में सेम अपोजिट रूल्स रहेंगे। ऑब्वियसली बोलिंजर बैंड हमेशा एक्सपांड होना चाहिए, प्राइसेस नीचे क्लोज होने चाहिए लोअर बोलिंजर बैंड के, और हमको शॉर्ट एग्जिट कभी रहेगा जब भी प्राइसेस ऊपर क्लोज होंगे लोअर बोलिंजर बैंड के। तो ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है जो भी रूल्स रहेंगे, बट ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा अच्छी काम करेगी जब भी हमको एक फास्ट पेस्ट मोमेंटम मूव मिलेगा तभी। तो आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ दो जो मैंने निकाले हैं, और ये निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए राइट। सो हमको एक क्विक मूव चाहिए, अगर स्लो मूव मिले तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमको एक क्विक मूव चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो जो आप इधर देख रहे हो वो शॉर्ट का एग्जांपल है। तो आप इधर देख सकते हो जैसे ही प्राइसेस ने क्लोज किया बिलो द लोअर बोलिंजर बैंड, इधर हमने शॉर्ट ले लिया, और आप देख सकते हो कि कितना क्विक मूवमेंट हमको मिला है। अब इधर देख सकते हो कि कितना क्विक मूवमेंट हमको मिला है। अगर यही मूव हमको एटलीस्ट 30-40% में मिल जाए ना तो भी अच्छा हो जाएगा, बट ये स्ट्रेटजी में इतना वैसे नहीं हो रहा है। अगर हमको यही ऐसे ही मूव्स मिले देन इट विल बी मच गुड। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, इधर भी आप देख सकते हो, इधर हमने बाय हो गया राइट, एक्सपांड हो रहा है बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड विड्थ इंडिकेटर एक्सपांड हो रहा है, प्राइसेस ने बोलिंजर बैंड अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज कर दिया। जस्ट लुक एट द मोमेंटम ऑफ दिस मूव, बहुत स्पीड से जा रहा है मूव, इधर हमने क्लोज कर दिया बिकॉज प्राइसेस ने अपर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर ये मूव मिलते रहेंगे हमको ये स्ट्रैटेजी में देन इट इज़ द बेस्ट, बट हमेशा ये नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली जब भी मैंने इसका बैक टेस्ट किया ये रूल्स के साथ, तभी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट कुछ तो ऐसे आया मुझे राइट, विच इज 2,50,000 एंड कमीशन इज 0.2%, राइट। जब भी मैंने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की तो मुझे ये रिजल्ट आया, सो यू नो विच वॉज ऑब्वियसली विच इज़ नॉट गुड। तो इसकी वजह से मैंने स्ट्रैटेजी को थोड़ा ट्विक किया है, मैंने ऑलरेडी सब कोडिंग करके रखी है, आपको कोड मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं ये जो रूल है ना, सेल बाय एग्जिट का और शॉर्ट एग्जिट का, ये रूल मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, ये रूल मैं निकालने वाला हूँ और मैं टारगेट स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको कमेंट कर डालता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट चेक नाउ। तो अभी क्या होगा, जो भी मैंने एग्जिट के रूल रखे थे वो मैंने हाइड कर दिए। तो अभी एग्जिट सिर्फ टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस के साथ होगा, हमारा बाय एंट्री जो उसका कंडीशन है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, बट हम सिर्फ एग्जिट कंडीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट पे है तो हम एग्जिट कंडीशन चेंज कर रहे हैं, एंड आप देख सकते हो इधर जैसे ही मैंने वो एग्जिट का कंडीशन हटा दिया, आप जस्ट लेट्स लुक एट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन द इक्विटी कर्व। ये इम्प्रूवमेंट क्यों है, बिकॉज हमारा एग्जिट फास्ट नहीं हो रहा है राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरे स्ट्रैटेजी में जैसे ही हमने एंट्री किया राइट, नेक्स्ट हैंडल पे एग्जिट हो रहा है बिकॉज नेक्स्ट हैंडल पे क्लोज बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है तो नीचे क्लोज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर इन शॉर्ट और लॉन्ग। तो वो जल्दी से एग्जिट होने का प्रॉब्लम है। अगर वो फास्ट मोमेंटम हमको मिलता ना, अगर 30-40
परसेंट भी मिलता है ना पूरे स्ट्रेटजी में, तो भी हम पूरा प्रॉफिटेबल में रहते हैं। बट वो नहीं हो रहा है, मैंने देखा, मैंने बैक टेस्ट भी किया, ऑप्टिमाइज भी किया, बट नहीं हो रहा है। सो मैंने वो एग्जिट कंडीशन हटा दिया है, एंड उसके वजह से आप जस्ट देखो इन द इम्प्रूवमेंट इन द इक्विटी कर्व। पर आई थिंक ये मैंने इसका स्ट्रैटेजी जो रखा है वो 0.5 एंड 0.2% रखा है। सो आई थिंक इट इज़ मोर देन 1:3%, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप चाहिए तो इधर आप 1.5 भी कर सकते हो, लाइक इफ़ यू वॉन्ट, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। बट अभी के लिए मैं 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं ना आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि स्ट्रैटेजी में सेटिंग्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 20 बोलिंजर बैंड का सेटिंग है, ये बोलिंजर बैंड विड्थ का सेटिंग है, और ये लॉन्ग स्टॉप टारगेट, शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट स्टॉप टारगेट का सेटिंग्स है। तो आप अगर जब भी आपको कोड मिलेगा, आप खुद से ऑप्टिमाइज़ करना, थोड़े सेटिंग चेंज करके देखना, थोड़ा इंडिकेटर्स में देखना कि क्या बदल सकते हो और क्या ऐड कर सकते हो टू इम्प्रूव दिस स्ट्रैटेजी। बट यू नो, ये सब यही एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने थोड़ी ट्विक की है। जस्ट मैंने एग्जिट सिग्नल निकाल दिया है, बोलिंजर बैंड एक्सपांड, बोलिंजर बैंड विड्थ जो एक्सपांड होगा उसका सिग्नल है, बोलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज होंगे उसका सिग्नल है। बस मैंने एग्जिट सिग्नल हटा दिया है, और ये मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख दिया है 1:3 के ऊपर, ठीक है। तो यही है पूरे स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको ये कोड चाहिए, जस्ट गो टू tradingwords.com/contact, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, एंड आई विल मेक श्योर दैट द कोड गेट्स टू यू। एंड अगर आपको कोई डाउट है ये पाइन स्क्रिप्ट में, और किसी में भी डाउट है ये पूरे कोड में, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि हमने डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट की है, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट की है, उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ डेफिनेटली जाके चेक कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सीरीज।